मिल गई वनराज को उसके कर्मों की पहली इंस्टॉलमेंट, रूठ के चले गए भगवान घर से। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंगरी स्पिरिट्स में। हंगरी स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। बा और बापूजी का जाना वनराज शाह के कर्मों का ही फल है। वनराज शाह जिसने ये सोच लिया था कि बा बापूजी अब कर भी क्या सकते हैं, कहां जाएंगे, मेरे ऊपर ही डिपेंडेंट है तो घर में ही रहेंगे। बा बापूजी से वो बहुत प्यार करता है, इस घर में सबसे ज्यादा मुझे लगता है बा बापूजी को ही वो मानता है, मगर जब मौका आता है सही फैसले लेने का तब वो बा बापूजी की बात भी नहीं सुनता है। बा ने वनराज का इतना साथ दिया मगर बा के साथ भी वो जो प्यार है उसको साबित नहीं कर पाया। अगर किया भी होगा तो बा को अब अपने पति का साथ देना है, इसलिए वो अपने पति के साथ चली गई। तो ये सब कुछ हम जब देखते हैं, जब ये सब सोचते हैं तो यही दिमाग में आता है कि वनराज को उसके कर्मों की पहली किश्त मिली है। ये आगे तो अभी किश्तें बाकी हैं। तो बात करते हैं पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकॉन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो बा बापूजी का डिसीजन सही था गलत था इसमें हम नहीं पढ़ते हैं, क्योंकि मैंने पहले भी कहा था कि बा बापूजी तो कुछ टॉर्चर हुए ही नहीं है फैमिली में, वो तो सिर्फ इमोशनली टॉर्चर हुए हैं। बट और भी दुनिया में ऐसे बुजुर्ग हैं जो वाकई फिजिकली भी टॉर्चर होते हैं, इमोशनली भी टॉर्चर होते हैं, और घर छोड़ के जाने का भी उनके पास ऑप्शन नहीं होता है। मगर इसमें एक मुद्दे को दिखाया गया है कि पेरेंट्स को कैसे हमें रिस्पेक्ट करना चाहिए, वो भी बुजुर्गों को, और बुजुर्गों का क्या इंपॉर्टेंस होता है यंगस्टर्स की लाइफ में, ये दिखाने का जो है पर्पस है, और बहुत अच्छा पर्पस है। बा बापूजी इमोशनली टूटे सबको पता चला, अनुपमा ने कड़ी से कड़ी जोड़ी उसको समझ में आ गया, और यही कड़ी से कड़ी जोड़कर उसने वनराज शाह के सामने पूरी तस्वीर रखी, वनराज शाह को भी समझ में आ गया। अब वनराज शाह क्या ही कर सकता है, क्योंकि हाथ से तो मौका निकल चुका है। अब वनराज शाह ढूंढेगा भी, क्या करेगा, वो तो हम प्री कैप में देख ही रहे हैं कि वो नहीं मिल रहे हैं। बट ये वनराज शाह के कर्मों का ही जो है रिजल्ट है दोस्तों। जब कोई किसी औलाद को उसके पेरेंट्स से अलग करता है, जैसा ये आध्या के साथ कर रहा है, जैसा ये अंश के साथ कर रहा है, तो क्या इसके साथ नहीं होगा, इसके भगवान इससे नहीं रूठेंगे। जो भी कुछ इसने किया है कभी किसी का भला तो नहीं किया। तो अब ये बैक काउंटिंग शुरू हुई है, अब आगे आगे देखो होता है क्या, क्योंकि अपने बच्चे भी इसके सर में छेद तो करेंगे, तो क्या ही करेगा, बार बार यही रोना रोएगा कि मैं तो अपने परिवार के लिए अच्छा सोचता हूं, अच्छा सोचता, अच्छा सोचते हो तो अच्छा होता क्यों नहीं है। तो ये सफर वनराज का भी कोई आसान नहीं होने वाला है। क्या कहते हो आप इसके बारे में जरूर बताइएगा, कमेंट कीजिएगा, देखते रहिए चैनल हंगरी स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.